हेलो एवरीवन, नमस्कार। नितिकास पंजाबी मस्का में आपका स्वागत है। मैं हूं नितिका और आज हम बनाएंगे डिलीशियस चॉकलेट ट्रफल विद ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स। चॉकलेट ट्रफल बनाने के लिए हमें चाहिए चॉकलेट 2 कप्स और 250 ग्राम्स, क्रीम 1 कप और 100 ग्राम्स। सबसे पहले हम चॉकलेट का गनाश बना लेंगे। गनाश बनाने के लिए हम एक पैन में 1.5 कप पानी डालेंगे और उसके अंदर डबल बॉयलर मेथड से चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। चॉकलेट मेल्ट करते हुए दो बातों का ध्यान रखें, पहली ये कि आप हीट प्रूफ बोल यूज़ करें और दूसरी ये कि बोल को वाटर टच नहीं करना चाहिए। और चॉकलेट मेल्ट करते वक्त गैस की फ्लेम बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और पानी पहले से ही बॉईल कर लेंगे ताकि बहुत ज़्यादा हीट ना लगे और चॉकलेट बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो सके। आप देख सकते हैं अब हमारी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम इसके अंदर क्रीम डाल देंगे और उसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। क्रीम डालने के बाद हम बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई भी लम्स ना रहे। इस पुडिंग में गनाश की जगह हम चॉकलेट कस्टर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपको क्या पसंद है। आपको बहुत ज़्यादा चॉकलेटी फ्लेवर पसंद है तो आप चॉकलेट गनाश यूज़ करें, और थोड़ा सा लेस चॉकलेटी फ्लेवर पसंद है तो आप चॉकलेट कस्टर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा चॉकलेट गनाश बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितनी अच्छी आई है। अब हम इसको 2-3 आवर्स के लिए इस तरह से कवर कर फ्रिज में रख देंगे। अब हम चॉकलेट ब्राउनी बना लेंगे। उसके लिए हमें चाहिए मैदा 80 ग्राम्स या फिर 3/4 कप। ब्राउनी बनाने के लिए सबसे पहले मैदा, 3 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेंगे। केक, ब्राउनी या फिर बेकिंग करते हुए ये बात ध्यान रखें कि मेजरिंग कप्स और मेजरिंग स्पून्स का प्रॉपर यूज़ करें और कुछ भी कम ज़्यादा ना करें। अब हम केक का बैटर बना लेंगे। केक का बैटर बनाने के लिए हमें चाहिए 130 ग्राम्स कंडेंस मिल्क, 60 ग्राम्स बटर। यहाँ पर मैंने सॉल्टेड बटर का यूज़ किया है। अगर आप अनसॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर 1 पिंच सॉल्ट का यूज़ ज़रूर करें। सॉल्ट डालने से सारे फ्लेवर्स अच्छे से बैलेंस हो जाते हैं। कंडेंस मिल्क और बटर को एक क्रीमी कंसिस्टेंसी मिलने तक हम बीट करेंगे। अब आप देख सकते हैं क्रीमी टेक्सचर मिलने के बाद हम इसके अंदर 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे और 3 पार्ट्स में हम फ्लावर डालेंगे। फ्लावर को हम कट एंड फोल्ड मेथड के साथ मिक्स करेंगे। फर्स्ट पार्ट के फ्लावर डालने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 100 ml मिल्क डलेगा या फिर 1/2 कप मिल्क हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। इसके बाद हम सेकेंड पार्ट फ्लावर का डालेंगे, उसको भी कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करेंगे। सेकेंड पार्ट मिक्स होने के बाद हम बाकी बचा हुआ फ्लावर डाल लेंगे और उसको भी कट एंड फोल्ड मेथड के साथ मिक्स कर लेंगे। और लास्ट में कंसिस्टेंसी ठीक करने के लिए इसके अंदर हम थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसके अंदर मैंने अप्रॉक्सीमेटली 100 ml मिल्क यूज़ किया है। अभी लास्ट में हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1-2 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे। अगर आपके पास ब्राउन शुगर है, ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं 2 टेबलस्पून। अभी लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ब्राउनी का, वो है चोको चिप्स, जो कि मैंने 30 ग्राम्स ऑफ चोको चिप्स यूज़ किया है यहाँ पे। चोको चिप्स के बिना ब्राउनी थोड़ा सा इनकम्प्लीट लगती है, तो आपकी चॉइस है। अगर आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है तो, अगर नहीं है तो भी चलेगा। अभी हम ग्रीस्ड और चोको पाउडर से डस्टेड टिन में ब्राउनी का बैटर डाल लेंगे।
ब्राउनी बनाने के लिए आप कोई भी शेप का टिन यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्क्वायर शेप ली है, आप राउंड या फिर ब्रेड टिन का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम 2 टाइम सरफेस के ऊपर टैप करेंगे और अवन को हम पहले प्रीहीट कर लेंगे 180 डिग्री पर 20 मिनट्स के लिए, और उसके बाद 25 मिनट्स के लिए हम 180 डिग्री पर बेक कर लेंगे। ब्राउनी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं स्क्यूअर बिल्कुल क्लीन आया है। अभी हम सभी चीज़ों की लेयरिंग कर लेंगे। लेयरिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है चॉकलेट फिल्ड रास्पबेरीज, पाइनएप्पल वेफर्स, गनाश, चॉकलेट ब्राउनी, ओरियो बिस्किट्स, पाइनएप्पल स्लाइसेस और चोको चिप्स। इन सभी चीज़ों को हम ग्लासेस में अरेंज कर लेंगे। इसको हम 4 डिफरेंट वेज में हम ग्लासेस में अरेंज करेंगे। और साथ में मैंने 100 ग्राम्स व्हिप्ड क्रीम यूज़ किया है, इसको मैंने बीटर की हेल्प से अच्छे से व्हिप कर लिया था। अब आइए हम सभी चीज़ों को अरेंज करते हैं। सबसे पहले हम ब्राउनी को क्रम्बल करके डालेंगे। व्हिप्ड क्रीम को मैंने यहाँ पर फ्लफ़ी टेक्सचर नहीं दिया है, लिक्विडी टेक्सचर देने से ब्राउनी में सारी क्रीम बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब होगी और हमें किसी भी तरह के जूसेस या फिर शुगर सिरप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा करने से इसे हम 7 डेज तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। फर्स्ट 3 लेयर्स हम सभी में सेम रखेंगे, सबसे पहले चॉकलेट ब्राउनी, उसके बाद व्हिप क्रीम, उसके बाद चॉकलेट गनाश और उसके बाद हम फ्लेवर्स ऐड करेंगे। इस लेयर के बाद आप अपनी चॉइस का कोई भी फ्रूट या फिर कोई वेफर या फिर कोई बिस्किट कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पाइनएप्पल वेफर्स यूज़ किए हैं, उसके ऊपर पाइनएप्पल का पंच दिया है और इसमें मैंने चॉकलेट ओरियो कुकीज़ यूज़ किए हैं। फ्लेवर्स ऐड करने के बाद इसके अंदर दोबारा से हम ब्राउनी की लेयर ऐड करेंगे। इस तरह से सभी चीज़ों की हम दोबारा से लेयरिंग करेंगे। सबसे पहले चॉकलेट ब्राउनी, उसके बाद चॉकलेट गनाश, उसके बाद बहुत सारे चॉकलेट चिप्स और उसके ऊपर बहुत सारी क्रीम। इस तरह से लिक्विड फॉर्म में क्रीम डालने से सभी चीज़ों में क्रीम बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी और इस तरह से हमारा चॉकलेट रफल और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। हम लास्ट में इसको डेकोरेट कर लेंगे वेफर्स, कुकीज़, पाइनएप्पल और बहुत सारे चॉकलेट चिप्स के साथ। चॉकलेट ट्रफल पुडिंग बनकर बिल्कुल रेडी है। इसे आप घर पर ट्राई ज़रूर करें और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये पुडिंग कैसी लगी, और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और एंजॉय करें चॉकलेट ट्रफल पुडिंग। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें और रेसिपीज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।